फ्रेंड कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुगंध रियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को हर हर महादेव। तो मैं आपको एक प्लांट के बारे में बताने जाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लकी होता है। जैसे मनी प्लांट होते हैं और भी पौधे जो होते हैं जो बहुत लकी होते हैं, घर में लगाना शुभ होता है, तो उसी तरह ये भी है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको कोई खाद वाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं वही आज लगाने वाली हूँ जो कि मैं पहले मार्केट से लाई थी। और बताती हूँ आपको, पूरा वीडियो बने रहना। तो ये है जेट प्लांट जो कि एक बार मैं मार्केट से भी लाई थी और एक दीदी है सामने, उन्होंने दिया था, तो मुझे तब इतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में। तो मैंने इसको ना अंदर रखा हुआ था बालकनी में, तो ये ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा था। तो एक बार मैंने दीदी से पूछा कि मतलब ये ग्रो नहीं हो रहा, जो छत का है वो तो अच्छे से हो गया, लेकिन जो अंदर लगा हुआ है बालकनी में वो ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है। तो उन्होंने बताया कि ये धूप ज़्यादा पसंद करता है, धूप में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। जबकि नर्सरी वाले ने बोला था कि ये प्लांट इंडोर है, तो इंडोर जहाँ धूप आती हो थोड़ी बहुत वहाँ तो चल जाएगा, और अगर आप सोचें कि छाया में इंडोर चल जाए तो ये नहीं चलेगा। और ये थोड़ा सा ही लाए थे और उससे भी बहुत सारा हो गया, बहुत अच्छा ग्रो होता है और बहुत लकी प्लांट है। आपको इसको घर में ऐड जरूर, पौधों में ऐड करना चाहिए, लाना चाहिए। और इससे आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, जैसे हाउस ट्री टाइप में, और भी कई शेप होते हैं तो इसका आप बना सकते हैं। तो और इसको ना रेतीली मिट्टी ज़्यादा पसंद है, तो आप हो सके तो रेतीली मिट्टी रखें, चिकनी मिट्टी में नहीं पसंद करता, थोड़ी रेती मिट्टी होनी चाहिए। आप इसमें बालू मिला लें थोड़ी। तो देखिए यहाँ पर मैं भी इसको मिक्स कर रही हूँ, और काफ़ी बड़ा था और प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया था और पॉट जो था छोटा था, तो मैंने कहा चलो इसका कई जगह लगा दे रही हूँ और बहुत अच्छा होता है। तो मैं इस तरीके से इसका देखिए बनाऊँगी। तो आपके पास चाहे सिल्वर हो तार, या फिर किसी भी तरह का तार हो जो कि मुड़ जाए, तो इसका मैं शेप दूंगी। तो मैं इसका ना सर्कल सा बनाऊंगी और दोनों साइड जैसे पुल टाइप का होता है उस तरीके से बनाऊंगी, और फिर मैं मिट्टी से इसको भर दूंगी। उसके बाद जो मैंने बनाया है तार का सर्कल उसको लगा दूंगी और इसी तरह भर दूंगी मिट्टी से इसको। और पहले जब छोटे रहते हैं तो आप एक गमले में रख दें, जब बड़े हो जाएं तब इसका आप इस तरीके से बनाएं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं तार लगा दिया और इस तरीके से इसको बांध दूंगी ताकि इसी शेप में ये चढ़ता जाए। फिर मैं इसको जब ये बड़ा होता जाएगा तो मैं इसको राउंड राउंड करती जाऊँगी। तो बस मैं इस तरीके से इसको राउंड राउंड करके देखिए बन गया, कितना प्यारा लग रहा है। और बीच में आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं डेकोरेशन करने के लिए। और मेरी बरनी थी जो कि टूट गई थी, तो मैंने कहा इसको भी यूज कर लें, तो इसको नीचे मैंने होल कर दिया था। बिना होल के तो कोई भी पौधे चलते नहीं हैं, तो बस उसमें भी मैंने लगा दिया। और ये बोतल का भी जुगाड़ की है मैंने, देख सकते हैं आप, इसमें मैंने छेद कर लिए थे, सावर टाइप से बना लिया, क्योंकि एकदम तो अगर हम बॉल से डालेंगे हल्के हल्के पौधे लगाए तो वो निकल जाती, तो मैंने इसका सावर सा बना लिया था और इसी में भर के। और फिर मैं देखिए इस तरीके से आप रख सकते हैं, चिड़िया बैठा दी मैंने, तो मैंने सभी पौधे लगा दिए और इनको पानी भी दे दिया। और ये मैंने राउंड राउंड सर्कल बनाया था, देख सकते हैं आप, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इसको, ये भी तार से बना हुआ है। तो आप ऐसे घर में पड़ी चीज़ों से कुछ भी डेकोरेशन कुछ भी बना सकते हैं अपने गार्डन के लिए, या फिर शामिल कर सकते हैं। और बस मैं इसमें सब में पानी डाल दूंगी और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सभी पौधे। और ये तो बहुत लकी प्लांट होता है, तो आप लोग ज़रूर लगाएं, और ज़्यादा महंगा नहीं, 30-40 रुपए में आपको मिल जाएगा। उससे फिर आप बहुत सारे पौधे बन जाएंगे, तो आप हर तरीके से इसको शेप दे सकते हैं। तो ये वाला मैं ट्री का शेप दूंगी इसमें, और ऐसे सब लगा दिए मैं, किसी ना किसी का शेप दूंगी इसमें। अभी तो फ़िलहाल मैंने दो का ही दिया है, एक मैंने पुल टाइप का बनाया और एक ट्री का। जब ये अच्छे से और हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितने प्यारे लगते हैं। वो पौधा जो रखा हुआ है मैं बेलपत्र का लेके आई थी, और हम लोग नर्सरी गए थे, हर्षू को लेके आई स्कूल तो वहीं गए थे, मुझे लेना था पौधा। अभी एक पॉट रखा हुआ है, तो मैं इसमें ये जो आते हैं स्टोन इसको डालूंगी ताकि बोर्ड भी सुंदर दिखे। देखिए इसमें एक प्लांट है और ये बहुत अच्छा प्लांट है, घर के अंदर भी आप इंडोर रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता, ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर पानी सूख जाए तभी आपको डालना है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। तो हम इसको डेकोरेट करते हैं थोड़ा, फिर देखते हैं कैसा लगता है। स्टोन ये लेके आई थी मैं, और ये मुझे 50 रुपये का पड़ा था, इतना सा एक पैकेट।
देख सकते हो। और उन्होंने बोला अगर आप ज़्यादा लेंगी तो हम थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन मुझे एक ही लेना था। और यहाँ पे मैंने गट्टी ली है बारीक वाली, ताकि स्टोन ख़राब नहीं होंगे। पहले मैं इसको डालूँगी, उसके बाद फिर इसको तो डालते हैं। और ये देखिए इनको ना कलर फेड हो गया इनको, दोबारा से कलर करूँगी, देखिए कैसा हो गया। तो हम ना इसको डाल देंगे, और पानी देखिए कितना निकल गया। तो देखिए मैंने इसको डाल दिया, अब मैं इसके ऊपर स्टोन डाल दूँगी, क्योंकि गंदे नहीं होंगे, वरना क्या होता मिट्टी से गंदे हो जाते। तो पहले मैंने ये डाल दी गट्टी, अब इसके ऊपर मैं ये डालूँगी। खोलते हैं, कितने प्यारे लगते, टूटे हुए ज़्यादा हैं देख। ये तो मैंने इस तरीके से डाल दिए, तो कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज बताना, आप लोग कैसा लग रहा है ये पॉट। और मैं अगर मुझे कहीं जैसा पॉट चाहिए अगर दिख जाएगा तो मैं दूसरा पॉट लाऊंगी। ये तो जो डिब्बे होते हैं कचड़े के लिए, तो मैंने बहुत 10 रुपये या 15 रुपये में लिया था, फिर इसी में मैंने लगा दिया कम। और अंदर इंडोर है तो ये ख़राब भी नहीं होता, तो बहुत कम प्राइस में एक हमारा गमला तैयार हो गया था। और ये अभी बचे हुए हैं, तो मैं कुछ और बना रही तो उसमें यूज हो जाएंगे। और ये मैंने मंगवाई थी क्या, जो गमले के नीचे प्लेटें रखते हैं, क्या बोलते हैं उनका नाम, प्लेट ही बोलते होंगे। तो मैंने मंगवाई थी ताकि जो गमले से पानी निकलता है तो उसी में स्टोर हो जाए, नीचे गंदा नहीं हो, क्योंकि मैं बालकनी का मेकओवर करने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि बस मैं प्लेटों का वेट कर रही थी कि कब आएँगी, क्योंकि अभी पानी डालते हैं तो नीचे निकल जाता, गंदा हो जाता। तो बस जब पानी डाला करेंगे और उसी में निकला करेगा। और ये प्लेट का साइज़ थोड़ा मुझे छोटा लगा, थोड़ा और बड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये मुझे 100 रुपये में 10 मिल गई और बहुत अच्छी हैं, मतलब पैसों के हिसाब से। और पहले जो मैं लेके आई थी इससे बड़ी हैं, तो वो मुझे 20 रुपये की एक मिली थी और ये 10 रुपये की मिली। और क्वालिटी उन्हीं जैसी है जो पहले मैं लाई थी मार्केट से, उसी के जैसी है। और अब देखिए गार्डन पहले कैसा था मेरा बालकनी, मतलब फैला हुआ है, ये गमले मैंने खिसका दिए। और अभी ये टेबल देखिए इधर रखी हुई है, और यहाँ का मैं मेकओवर करने वाली हूँ, इनको सबको सेट करूँगी दूसरी जगह। और बस यहाँ पे अभी कबाड़ा फैला हुआ है सब, तो आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से सेट करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे सफाई करूँगी, इधर सब झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, गमले रखे रहते तो झाड़ू तो वैसे मैं लगाती रहती हूँ खिसका के, फिर भी अच्छे से धुल लूँगी। और देखिए मैंने टेबल इधर रख दी, और मैं ये घास जो लेके आई थी इस तरीके से टेबल के बिछा के लिए लेके आई थी, और ये रही प्लेट है जो कि हम गमलों के नीचे रख देंगे, जिससे कि पानी निकलेगा तो इसी में निकलेगा। तो देखिए ये तो हम यहाँ पे टेबल रख दी मैंने, और डेकोरेशन करेंगे इधर। और इधर साइड देखिए, अब आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको पहले और अब मैं आप फ़र्क देख सकते। और यहाँ पे मैंने ये वो लगा दी बेलपत्र, और इधर देखिए सब जगह आप। और पहले आपको कैसा लग रहा था, अभी कैसा प्लीज़ बताना आप लोग। और यहाँ पे मैं अभी और भी डेकोरेशन करने वाली हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैंने टेबल को साइड किया है और इस तरीके से पौधे लगा दिए। और अभी मैंने कुछ और अच्छे से भी किया है, आपको नेक्स्ट वीडियो में पता